हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, आई एम अंकिता। वेलकम बैक इन द वर्ल्ड ऑफ मल्टी लिविंग। हम सब चाहते हैं कि हमारा घर बहुत ही सुंदर और स्पेशियस दिखे, बट हम ये भी सोचते हैं कि यार ऐसा तभी हो सकता है कि जब कुछ बहुत महंगा सामान हमारे घर में हो, या फिर हमने अपना घर किसी डेकोरेटर या इंटीरियर डिज़ाइनर से अपने घर को डेकोरेट करवाया हो। बट ऐसा नहीं है। आप अपने घर को कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सुंदर और स्पेशियस दिखा सकते हैं। जी हाँ, तो आज मैं लाई हूँ कुछ ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने घर को ज़्यादा स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल दिखा सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट इज डू नॉट क्लटर। या कभी भी सामान को बिखेर के ना रखें। जैसे हम कभी कभी होता है बेड पे यहाँ कुछ पड़ा है, वहाँ कुछ पड़ा है, बुक्स यहाँ फेंकी हुई हैं, कपड़े वहाँ पड़े हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। हर चीज़ का एक जगह निश्चित कर लें कि ये चीज़ यहाँ पे होना चाहिए। कपड़े एक जगह फोल्ड करके रखें, बुक्स एक जगह रैक पे रख दें या मेज पे रख दें, जहाँ भी आपके पास स्पेस हो तो उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें। और कभी कभी होता है कि हम लोग वॉल्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोटो फ्रेम्स लगा देते हैं, वो भी अलग अलग जगह पे अलग, कभी कुछ कैलेंडर लगा दिया, कभी फ़ोटो फ्रेम्स लगा लिए, इससे भी घर बहुत ही क्लटर्ड और डिसऑर्गेनाइज दिखता है। तो आप क्या करें, आप जो भी फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह हैं उनको एक ही जगह पे लगाएं, इससे घर को एक डिज़ाइनर लुक भी मिलता है और आपका फोकस पॉइंट भी एक ही जगह पे होता है, तो इससे घर और भी ऑर्गेनाइज्ड और ब्यूटीफुल लगेगा। सेकेंड पॉइंट इज पेंट योर वॉल्स विद वाइट और ऑफ वाइट। यस, वाइट कलर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इससे हमारा घर और भी एयरी, ब्राइट एंड स्पेशियस लगता है। तो हमेशा अगर आपका घर छोटा है या बड़ा जो भी है, लेकिन आपको उसको और भी सुंदर करना है, उसको और स्पेशियस दिखाना है, तो हमेशा वाइट कलर प्रेफर करें या ऑफ वाइट प्रेफर करें। मान लीजिए आपको कोई भी वॉल कलर चाहिए, आपको कलर्स बहुत पसंद है, तो फिर आप तीन वॉल्स को वाइट या ऑफ वाइट रखें और एक वॉल को जिसको आप एक्सेंट वॉल बनाना चाहते हैं उसको अपने मन पसंद कलर से कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप कलर नहीं करना चाहते हैं तो आप वॉल पेपर्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, ये सब चीज़ें लगा के भी एक्सेंट वॉल बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज ऐड कलर थ्रू सॉफ्ट फर्निशिंग। सॉफ्ट फर्निशिंग मीन्स वो सब चीज़ें जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, जैसे कि बेडशीट्स हो गई, कुशन कवर्स हो गए, पिलो कवर्स हो गए, कर्टन्स हो गए, इनके थ्रू आप कलर्स ऐड करने की कोशिश करें। लेकिन कलर्स ऐसे ऐड करें जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हों, इससे आपका एक थीम भी बन जाएगा और घर काफ़ी ऑर्गेनाइज भी लगेगा। फोर्थ पॉइंट इज ऐड मिरर्स टू योर हाउस। या मिरर्स आर ग्रेट डेकोरेटिव पीसेज एंड ऑल्सो दे रिफ्लेक्ट लाइट। तो इससे क्या होगा कि अगर वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं तो फिर घर और स्पेशियस दिखेगा और ब्राइट दिखेगा। और एक पॉइंट और है कि जब भी आप जैसे मिरर लगवा रहे हैं तो उसको विंडो के अपोजिट साइड वाली वॉल पे लगवाएं, जिससे कि क्या होगा आपकी विंडो के बाहर का व्यू मिरर में रिफ्लेक्ट होगा और वो और भी स्पेशियस दिखेगा। फिफ्थ पॉइंट इज टाइल्स और मार्बल। आप फ्लोरिंग के लिए जो भी यूज़ कर रहे हो, आप हमेशा एक ही कलर की टाइल्स या मार्बल यूज़ करें, कभी भी डिफरेंट कलर की टाइल्स ना यूज़ करें घर में। जैसे आपने किचन में दूसरे कलर की टाइल्स यूज़ कर ली, ड्राइंग रूम में दूसरे कलर्स की, रूम्स में दूसरे कलर्स की, तो क्या होता है, इससे एक व्यू बनता है कि घर अलग अलग पार्ट्स में बट गया है, जो कि नहीं होना चाहिए, और इससे घर आपका और कंजस्टेड लगने लगता है और स्पेस जितनी होती है उससे भी कम दिखती है। तो हमेशा एक ही कलर की टाइल्स चूज़ करें। और हमेशा अगर आप अपने घर को और भी ब्राइट और भी अच्छा दिखाना चाहते हैं तो फिर हमेशा लाइट कलर की टाइल्स को चूज़ करें, तो इससे घर क्या होता है कि और भी अच्छा लगता है और भी एयरी लगता है। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग टाइल्स लगवाते हैं तो हम लोग उसका बॉर्डर करवाते हैं डिफरेंट कलर से, उससे क्या होता है डिफरेंट कलर से बॉर्डर करवाने से कि हमें वही विजुअली वो इफ़ेक्ट देता है कि वो इतना ही एरिया है, जबकि एरिया ज़्यादा होता है।
बट वो विजुअली उतना ही दिखता है हमको, और ये एक नेगेटिव पॉइंट है बॉर्डरिंग का। तो आई विल सजेस्ट कि आप बॉर्डरिंग ना करवाएं, एक ही कलर की टाइल्स को रखें। सिक्स पॉइंट इज अबाउट कर्टेंस। क्या हम लोग क्या होता है कि दरवाजों पे तो लंबे लंबे कर्टेंस लगा दिए, ठीक, लेकिन विंडोज़ पे क्या होता है, विंडोज़ जितनी ऊंची है उतनी बस लगा दिया, उसके बाद नीचे छोड़ दिया, नीचे उतना नहीं लगाया। बट ऐसा ना करें, हमेशा जितने अपने दरवाजे पे जितने लंबे पर्दे लगाए हैं उतने लंबे पर्दे ही खिड़कियों पे भी लगाएं। इससे क्या होता है, हमारी वॉल्स और भी लंबी लगती है और भी ऊंची लगती है, जिससे क्या होता है, अगर आपका घर बहुत ही नीचे वो बना हुआ है, आपकी सीलिंग बहुत ही नीचे बनी हुई है, तो वो और भी ऊपर दिखने लगती है, और हमें ये विजुअली एक इफ़ेक्ट मिलता है कि हमारी विंडोज़ बहुत बड़ी हैं। या घर को ज़्यादा ब्राइट दिखाने के लिए उसमें क्या करें, आप शीयर कर्टन्स ऐड कर सकते हैं, या तो आप मिक्स मैच कर लीजिए, जैसे थोड़े से फैब्रिक, थोड़ी मोटी वाली फैब्रिक यूज़ करें एक दो कर्टन्स के लिए, फिर बीच में शीयर कर्टन यूज़ करें, या तो पूरे शीयर कर्टन्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत ही ट्रेंड में है और बहुत अच्छे भी लगते हैं। सेवन पॉइंट इज ऐड इंडोर प्लांट्स इन योर हाउस। ये इंस्टेंटली आपके घर को और भी ब्राइट और भी अच्छा दिखाते हैं। तुरंत आपके घर में एक नया कलर ऐड होता है और आपका घर ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। एट पॉइंट इज ऑलवेज यूज लाइट वेट फर्नीचर्स इन योर हाउस इफ़ यू वॉन्ट टू मेक योर हाउस लुक मोर स्पेशियस एंड ब्यूटिफुल। हाँ, तो ऐसे फर्नीचर्स यूज़ करें जिनमें नीचे से उनके लेग्स दिखते हों। लेग्स दिखने से क्या होता है कि हमें नीचे की फ्लोर भी दिखती है, और फ्लोर दिखने से एरिया और ज़्यादा लगता है। बल्कि फर्नीचर्स यूज़ करेंगे तो फिर उनमें नीचे का एरिया छिप जाता है, जिससे घर और कंजेस्टेड लगता है। तो ऑलवेज यूज़ लाइट वेट फर्नीचर्स। नाइन्थ इज कलर ऑफ फर्नीचर्स। या दे आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप जैसे फर्नीचर्स ढेर सारे हैं आपके घर में और वो अलग अलग कलर से हैं, तो फिर आपका घर बहुत ही क्लटर्ड लगेगा, कहीं भी कुछ भी रख दिया गया है, एकदम ऑर्गेनाइज नहीं लगेगा। तो फिर क्या करें कि आप एक ही कलर के फर्नीचर्स यूज़ करें पूरे घर में, विंडो डोर से लेके आपने जो भी चेयर्स हैं, जो भी बेड वगैरह हैं, सब कुछ एक ही कलर का रखें। और अगर आप ज़्यादा कलर यूज़ करना चाहते हैं तो मैक्सिमम दो कलर्स यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। टेंथ पॉइंट क्या है कि अपने घर में हमेशा फोल्ड हुए फर्नीचर्स रखें, या फिर ऐसे फर्नीचर्स रखें जिनमें नीचे स्टोरेज होता है। फोल्ड हुए फर्नीचर्स का क्या फ़ायदा है कि जैसे आपका घर छोटा है, ठीक, और आपके घर गेस्ट आए, मान लीजिए आपकी कॉफ़ी टेबल छोटी सी है लेकिन वो फोल्डेबल है, बाद में बड़ी हो जाती है, तो आपके घर गेस्ट आए, कम गेस्ट आए तो आप उतने ही सर्व कर दीजिए, लेकिन आपके घर पार्टी है या फिर ज़्यादा गेस्ट आए तो आप उसको फोल्ड करके आप बड़ा कर सकते हैं, उससे सभी को सर्व कर सकते हैं। या फिर वो सोफ़ा कम बेड्स हो गए जिनमें सोफ़ा होता है, फिर उसके बाद ज़्यादा गेस्ट आ गए तो उनको आपने बेड बना लिया, तो ऐसे फर्नीचर्स का यूज़ करें। और मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा सामान है तो आपके लिए आपके पास स्टोरेज की जगह नहीं है, सारा सामान इधर उधर पड़ा रहता है, तो ऐसे फर्नीचर्स लें जिनमें जो स्टोरेज होता है। आजकल बहुत ही ऐसे सोफ़ाज आ रहे हैं जिनमें स्टोरेज होता है, बेड्स में तो मैक्सिमम आते हैं कि अब स्टोरेज होता ही होता है, तो ऐसे ही फर्नीचर्स हमेशा लें। ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अपने घर का मेकओवर या उसको डेकोरेट करने से पहले इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखें, दे विल डू वंडर्स टू योर हाउस। या और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ कीप वॉचिंग मल्टी लिविंग एंड लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।